हेडलाइट्स के अंदर 230 वॉट की एलईडी है, 2 साल वारंटी वाली ट्राइटन कंपनी की। साइड मिरर की बात करेंगे, अपना पियानो किट का इंस्टॉलेशन हो गया यहाँ पर। अपना रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल करिए जो कि अपना लॉक अनलॉक के साथ में मैट्रिक्स भी है, इंडिकेटर, ब्रेक, पार्किंग फंक्शन सबके साथ में ये वर्किंग रहती है। यहाँ पर एक रियर एलईडी स्पॉइलर लगाया जो कि अपना ब्रेक लाइट पे कंपैटिबल है एंड डायरेक्टली भी आपका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। शार्क फिन एंटीना लगाया जो कि अपना वर्किंग कंडीशन में ऐसे सेंटर लॉकिंग कंपनी वाली अपने इंस्टॉल करी हुई है, 3 साल वारंटी वाली जो हम लगाते हैं टाटा लोगों के साथ में। फ्लिप सीट कवर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाने वाला है, अपर पार्ट से आप लोअर पार्ट तक चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का फिट फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल इसके अंदर लगाया है टाटा जेनमैन अपना, जो कि अपना वर्किंग पोजीशन में ये भी रहता है। डायमंड 2K हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, 2GB RAM, 32GB इंटरनल वाला। इसमें भी और काफी सारे वेरिएंट है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है ये वाला। और हमको लगा नहीं था इतना मतलब यहाँ पे अच्छी सर्विस मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी गाड़ी सुबह से हमारी गाड़ी वगैरह फोकस किया गया है, ठीक है, और हमने ऑलमोस्ट गाड़ी का इंटीरियर सारा काम चेंज करवाया है। तो जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट सब चीजें यहाँ पे मिल गई है, सारी चीजें हमको यहाँ से मिल गई है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेक्रम कार एक्सेसरीज करोल बाग में। अपने सामने खड़ी है दो दो टाटा की पंच, दोनों ही अपना बेस वेरिएंट जो है वो रहने वाला है प्योर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की, जिसका नंबर आप यहां पर चेक कर सकते हैं, डीएल नंबर गाड़ी जो है वो रहने वाली है। काफी अच्छा अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किया जा रहा है, A to Z सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं और किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कार के इंटीरियर से बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सारी सीटें वगैरह जो है वो अपनी निकल ली हुई है। सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो चल रहा है। इसके अलावा फ्लोर पे आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम जो है वो भी किया जा रहा है, डाई वाली जो फ्लोरिंग है उसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा स्टीरियो की अगर हम बात करें, डायमंड 2K वाला जो स्टीरियो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया जा चुका है। स्टीयरिंग व्हील पे आप देखेंगे स्टीयरिंग कंट्रोल लग चुके हैं, स्टीयरिंग रैप जो है डुअल टोन में हो चुका है। स्पीकर्स वगैरह की बात करें तो इसका यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। रियर डोर के अंदर कोएक्सियल स्पीकर पायनियर के लग चुके हैं, और फ्रंट डोर में बात करें तो फ्रंट डोर के अंदर आपको पायनियर के ही कंपोनेंट स्पीकर्स देखने को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे डोर पैकिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। एम्बिएंट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, K3 6-piece एम्बिएंट लाइट जो है वो इस वाली कार के अंदर रहने वाली है। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे अपनी गैलरी वाली रूफ एयर का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है। पीछे भी शार्क फिन एंटीना जो है वो लगना बाकी है। डोर वाइजर काम जो है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी व्हील कवर अपडेट जो है वो भी किया जाएगा। पीछे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे अपना रियर स्पॉइलर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे रियर में अपना जो ब्रेक लाइट है यहाँ पे स्पॉइलर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे रियर व्यू कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, कैमरे की प्लेसमेंट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और रिफ्लेक्टर जो है वो अपने रहने वाले हैं मैट्रिक्स टाइप के, इसका भी इंस्टॉलेशन जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अपनी एम्बिएंट लाइट जो मैंने आपको बताई, एम्बिएंट लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि अपना इस तरीके की जो अपनी स्ट्रिप लाइट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल करी जा रही हैं, आप चेक कर सकते हो। और अपनी जो है कंप्लीट इसका इंस्टॉलेशन रहेगा, K3 6-piece में जो है वो रहने वाली है। लाइटिंग सेटअप में क्या अपडेट रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे फॉग लैंप का जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है। हेडलाइट के अंदर जो है वो अपनी 230 वॉट की हेडलाइट एलईडी लग चुकी है। ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट यहाँ पे किया जा चुका है। पार्किंग बल्ब वगैरह जो है वो यहाँ पे चेंज रहने वाले हैं इस तरीके की, यहाँ पे आप देखोगे तो अपने मिरर के ऊपर ग्लॉसी किट का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, और नई डिजाइन वाली ग्लॉसी किट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल रहने वाली है। डोर हैंडल आप देख सकते हैं पीछे की तरफ अपना कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट काम जो है इस वाली कार के अंदर रहने वाला है। तो एक बार गाड़ी का काम सारा कुछ कंप्लीट होता है फिर आप लोगों को चेकआउट करवाते हैं। A few moments later. तो दोस्तों अपनी पंच का सारा कुछ काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं आशीष भाई से और जानते हैं क्या कुछ अपडेट इस वाली कार के अंदर किए गए हैं। सो अगेन से आप लोग देख रहे हो डेकोरम कार, यहाँ पर हमारे पास है टाटा पंच एक और प्योर बेसिक मॉडल जो कि हम रेगुलरली अपनी मॉडिफाई करते हैं। इसके अंदर जो हमने फ्रंट से लेके वर्क किया है, रियर में वर्क किया है, काफी सारा काम है। फ्रंट में बात करें सबसे पहले DRL का इंस्टॉलेशन है जो कि डे टाइम रनिंग लाइट लगाई है। इसमें इंडिकेटर मल्टी फंक्शन भी है और वाइट भी काम करती है ये वाली, तो डुअल पर्पज ही अपना रहने वाली है। डुअल पर्पज DRL हो गई। हेडलाइट पे अपना पियानो ब्लैक किट का इंस्टॉलेशन हो गया जो कि अपनी 10-piece वाली आती है, 12-piece वाली आती है। हेडलाइट्स के अंदर 230 वॉट की LED है, 2 साल वारंटी वाली ट्राइटन कंपनी की। इसके अलावा नीचे की तरफ फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन है जिसके अंदर हमने 52 वॉट एलईडी का इंस्टॉलेशन किया है। इसमें प्रोजेक्टर्स का भी ऑप्शन है, वो सब आप यूज कर देख दुकान पे आके देख सकते हो, वो तो आपके रिक्वायरमेंट के साथ डिपेंड करता है। जैसा आप लगाना चाहो, 2-3 मॉडल्स आते हैं अपने हिसाब से लगा सकते हो। गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे, फ्रंट में तो फिलहाल यही वर्क है, बाकी एक बार लाइट का रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं किस तरीके का जो है अपना रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की गाड़ी में बात करेंगे, व्हील कवर का सबसे पहले इंस्टॉलेशन किया है जो कि गाड़ी के लुक को काफी चेंज करता है। टाटा लोगों के साथ में विजन डिजाइन वाला व्हील कवर है, डबल कलर वाला, ठीक है जी। इसमें ब्लैक का भी ऑप्शन है। साइड मिरर की बात करेंगे, अपना पियानो किट का इंस्टॉलेशन हो गया यहाँ पर। ऑटोमेटिक अभी मिरर इसमें नहीं करें, उसमें भी ऑप्शन मिल जाएगी, मोटर वाले फोल्डिंग वाले दोनों लगवा सकते हैं।
साइड में अपना डोर वाइजर का इंस्टॉलेशन है, पंच बैरिंग वाला, ठीक है जी, ये भी लगाया। ऊपर रूफ रेल हो गई जो गैलियो कंपनी की प्रॉपर अपनी पेस्टिंग वाली आती है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसको, आप आराम से जो है शेक वगैरह करोगे निकलने वाली नहीं है, प्रॉपर तरीके से फिक्सिंग करके देंगे। एंड यहाँ पर अपना पियानो किट के हैंडल्स का इंस्टॉलेशन है, इसमें ये ऑप्शन है, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं पसंद आता है तो नहीं लगाते। ये वाली जो किट है वो 12 पीस में रहेगी, बिल्कुल। पहचान कैसे करोगे, यहाँ पे आपको जो है कुछ तरीके से लाइंस देखने को मिल जाएंगी। एंड डोर गार्ड का इंस्टॉलेशन है GFX कंपनी के, तो चार दरवाजे कॉर्नर्स पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अपना रियर पियानो किट का इंस्टॉलेशन हो गया, जो कि टेल लाइट वाला पियानो किट का पार्ट है हमारा, इसमें दो तीन डिजाइन आते हैं, सब अलग अलग टाइम पे अवेलेबल होंगे। एंड यहाँ पर अपना रियर डोर हैंडल हो गए जो पीछे की तरफ लगे, तो दोनों किट के अंदर डिफरेंस रहने वाला है, बिल्कुल ठीक है जी। एंड रियर की बात करें यहाँ पर गाड़ी के अंदर, एक सबसे पहला अपना रिफ्लेक्टर लाइट इंस्टॉल करिए, जो कि अपना लॉक अनलॉक के साथ में मैट्रिक्स भी है, इंडिकेटर, ब्रेक, पार्किंग फंक्शन सबके साथ में ये वर्किंग रहती है, मतलब तीन चार मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल। मड फ्लैप एक बेसिक नीड वाला गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, जो कि टायर्स पे कीचड़ पड़ने से रोकता है। एंड यहाँ पर एक रियर LED स्पॉइलर लगाया है, जो कि अपना ब्रेक लाइट पे कंपैटिबल है, एंड डायरेक्टली भी आपका लुक जो है बहुत अच्छा आता है। ब्रेक का अगर इसमें आप रिस्पॉन्स देखो, जैसे ब्रेक अप्लाई करोगे रनिंग कंडीशन में अपना आ जाने वाला है कुछ इस तरीके से, और बॉडी कलर में ही यानी कि ग्रे कलर की गाड़ी है, ग्रे कलर का ही स्पॉइलर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, ठीक है जी। इसके अलावा क्या रहेगा अपना, एक शार्क फिन एंटीना लगाया है, जो कि अपना वर्किंग कंडीशन में, इसमें डमी और वर्किंग दोनों आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, हाँ जी। और गाड़ी के अंदर एक बेसिक नीड की बात करें, सेंटर लॉकिंग कंपनी वाली अपने इंस्टॉल करी हुई है, 3 साल वारंटी वाली जो हम लगाते हैं टाटा लोगों के साथ में, फ्लिप वाली सेंटर लॉक है, इसके अंदर नॉर्मल रिमोट, सेंटर लॉक, अपना फ्लिप की रिमोट, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कितनी वारंटी आती है इसकी, 3 साल वारंटी, और ऑल ओवर इंडिया आपको सर्विस मिल जाती है इसकी, काफी जगह पर, ठीक है जी। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको इंटीरियर से बताते हैं क्या कुछ रहने वाला है। इंटीरियर की तरफ बात करें, इसके अंदर जो हमने अभी थीम सेटअप किया है वो भी चेरी किया है, बस इंटीरियर जो है इस गाड़ी के अंदर नहीं बनाया, अपना स्टीयरिंग रैप और सीट कवर्स को मैच किया है चेरी और थोड़े से व्हाइट टच के साथ में, ठीक है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील को आप देखोगे, डुअल टोन रैपिंग आपको मिल जाएगी, जिसको मून डिजाइन कहा जाता है, ब्लैक पोर्शन आपको ऊपर वाले पार्ट में मिल जाएगा, और नीचे तरफ आते हैं चेरी इंसर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सेम यही कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो सीट कवर के ऊपर भी आपको देखने को मिल जाने वाला है, अपर पार्ट से आप लोअर पार्ट तक चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का फिट फिनिश जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और डिजाइन की बात करें, साइडों में अपना बर्फी डिजाइन है, व्हाइट कलर की पाइपिंग आ जाती है, और डबल सिलाई जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल लुक ड्राइवर सीट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, और को ड्राइवर सीट का भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। गाड़ी के अंदर हमने एम्बिएंट लाइटिंग का अपना इंस्टॉलेशन किया है, जो कि K3 सीरीज की रहने वाली है, इसमें भी K4 वगैरह काफ़ी सारे पीसेस आते हैं, 6 पीस का यह वाला सेट लगाया है यहाँ पर, इसमें मल्टी फंक्शन कलर है, 7-8 कलर आपको मिल जाते हैं। 6 पीस कहाँ कहाँ रहेगी उसकी अगर हम बात करें, 4 तो अपने डोर पैनल्स हो गए, हाँ जी। 2 डैशबोर्ड ऐसे हैं कि एक तो आ गया छोटा वाला पीस, एक फुल अपना बड़ा वाला लेंथ वाला पीस आ गया, टोटल 6 पीस का सेट है, 6 पीस का सेट आएगा, और मल्टीपल कलर के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर चेंज जो है वो कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, और आपको बटन भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल इसके अंदर लगाया है टाटा जेन्युइन अपना, जो कि अपना वर्किंग पोजीशन में ये भी रहता है, सामने देखेंगे डिस्प्ले पे तो ये भी आपका वर्किंग मिलेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस प्रॉपर वर्किंग जो है वो अपना रहने वाला है, वर्किंग कंडीशन रहता है, और ये जर्मन प्रोडक्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है सारी कार के अंदर। अंदर अगर अपना बेसिक और नीड की बात करें, एक मैट्स और फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन है, मैट सबसे पहले SIPL प्रो का डाला है, काफी बेस्ट क्वालिटी मैट है, लाइफ टाइम मैट है। नीचे की तरफ फ्लोरिंग का इंस्टॉलेशन है, जो कि डाई कट फ्लोरिंग अपने कंप्लीट तरीके से की है, इसमें रेगजीन भी आती है, डाई भी आती है, ये हैवी क्वालिटी हैवी फिटिंग वाली अपनी डाई फ्लोरिंग आ गई, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग काम जो है वो अपना रहने वाला है, ठीक है जी। अंदर म्यूजिक प्लेयर की बात करें, डायमंड 2K हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, 2GB RAM 32GB इंटरनल वाला, इसमें भी और काफ़ी सारे वेरियंट है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है ये वाला, टच रिस्पॉन्स आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मिलेगा इसके अंदर, और कई सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, लाइक क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे आप चेक करोगे, मैप हो जाता है, प्ले स्टोर है, यूट्यूब है, और टी लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, और वॉल्यूम वगैरह अगर आपने माइनस करनी है तो आप यहाँ से भी जो है वॉल्यूम को प्लस माइनस जो है वो कर सकते हैं, और यहाँ से आपको ट्यूनिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो कैमरे का आउटपुट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, HD विजन कैमरा जो है वो यहाँ पे अपना इंस्टॉल रहने वाला है, प्रॉपर क्लैरिटी वगैरह किस तरीके की है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और नाइट टाइम में भी ऐसी वर्किंग रहेगा। इसकी क्या वारंटी वगैरह आ जाती है, इसकी भी 1 ईयर वारंटी है, सिस्टम के साथ ही हमने कैमरा इंस्टॉल किया है यहाँ पर, सिस्टम और कैमरा दोनों 1 ईयर वारंटी के साथ, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे अपना बल्ब जो है वो भी चेंज किया जा चुका है, कर्टन जो है वो भी लग चुके हैं, बिल्कुल स्पीकर का भी इंस्टॉलेशन है, जो कि हमने यहाँ पर अभी पाइनियर कंपनी के इंस्टॉल करें, कॉम्प्रेंट कोएक्सियल सेटअप काफी अच्छे रहते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो रहेगा इस वाली कार के अंदर कंप्लीट। अब मूव करते हैं कार के कस्टमर की तरफ, वो जानते हैं कैसे उनका फीडबैक आता है, मिलते हैं कार के ओनर से, और जानते हैं सर कैसा कुछ फीडबैक आता है, तो आप तीन लोगों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर नाम बताइए अपना। भाई मैं निखिल चौहान हूँ। भाई आपका नाम? विवेक सिंह। और भाई आपका नाम? परवीन। कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? भाई हमारे शास्त्री पार्क से।
ठीक है ठीक है। हम तो भाई की दुकान YouTube में देख के आए थे डेकोरम, ठीक है जी, और हमको लगा नहीं था इतना मतलब यहाँ पर अच्छी सर्विस मिल जाएगी। आए यहाँ पर हमारी गाड़ी सुबह से हमारी गाड़ी ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, और हमने ऑलमोस्ट गाड़ी का इंटीरियर सारा काम चेंज करवाया है, तो जिन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट सब चीजें यहाँ पे मिल गई हैं, सारी चीजें हमको यहाँ से मिल गई हैं। एक चीज जो नहीं मिली है वो भाई ने अरेंज करके दी है हमको यहाँ से अपनी शॉप से ही, ठीक है जी, और बाकी सारी चीजें हमको बेस्ट मिली है और किसी चीज में हमारा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। मेरी तरफ से बिल्कुल 5 स्टार 5 आउट ऑफ 5। बात करें अगर हम फिटिंग फिनिशिंग वगैरह की, फिनिशिंग वगैरह आपको कैसी लगी? फिनिशिंग तो बढ़िया थी भाई, एक नंबर फिनिशिंग थी। तो जो चीज़ आप YouTube पे देख करके आए थे वैसे ही काम रहा? हाँ, सिमिलर था, सारा सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने तो फुल मार्क्स माल मिला है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। भाई ने फुल मार्क्स दे दिए, आप कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 out of 10 कंप्लीट नंबर। भाई आप बताइए कंप्लीट नंबर जो है रहने वाले। बजट वगैरह की बात करें, क्या रहा अपना बजट? बजट तो रीजनेबल था भाई, कोई ज़्यादा हाई फाई भी नहीं था, नॉर्मल था। तो कितना कुछ अमाउंट में काम हो गया अपनी गाड़ी का? अप्रॉक्स 50 के आसपास। तो ये आपको वर्थ लगा जितना भी गाड़ी के अंदर काम हुआ है? बढ़िया, वर्थ फुल रहने वाला है। रिकमेंड करने का मौका मिले कल को किसी को, रिकमेंड करना चाहेंगे? हम भी रिकमेंड से ही आए हैं भाई वैसे देखा जाए तो, ठीक है, प्लस रिकमेंड दोनों से आए हैं। तो आपको कल मौका मिलेगा तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? ये भाई आएगा, ठीक है।